पठानकोट ट्रैफिक पुलिस की ओर से रोड सेफ्टी हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस द्वारा जगह जगह पर आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में सूचित किया जा रहा है। इसी के तहत डीएसपी लखविंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में टैंक चौक पठानकोट पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया और ट्रैफिक नियमों की पालना करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। बात करते हुए डीएसपी लखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खाक के दिशा निर्देशों अनुसार समय समय पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं और आज लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए और साथ ही जो लोग ट्रैफिक नियमों की पालना कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। साथ ही लोगों को हिदायतें भी दी गई हैं कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, दोपहिया वाहन हेलमेट पहनकर चलाएं और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें और साथ ही वे शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और अन्य ट्रैफिक नियमों के बारे में आम लोगों को जागरूक किया गया है। हाँ जी, सीनियर अफसर वालों समय समय सिर जड़िया गाइडलाइन आउंदियां उस दे तहत ही अज मानयोग साडे एसएसपी साहब वालों भी जिहड़ा ट्रैफिक इंचार्ज नूं हदायत की गई सी जिहड़ा रोड सेफ्टी हफ्ता जिहड़ा मनाया जा रहा ते जिन्हां ने हैलमेट पाए से उन्हां नूं सन्मानित किया गया ते बाकी जिहड़े स्कूल वाले बच्चे ही इन्हां नूं भी पंफलेट वंडे गए ने होर भी जिहड़े जा रहे ने राहगीर उन्हां नूं पंफलेट वंड के ते जिहड़ा अवेयर किया गया भी जिहड़े दो पहिया वाहन चलाउणा उत्थे हैलमेट पाओ जे कोई एंबूलेंस मगरों आउंदी उहनूं रस्ता दिओ ते शराब पी के जिहड़ा वा खास करके गड्डी ना चलाओ ये जड़ा मोबाइल फोन जड़ा लोगों ने कहा भी ये भी जड़ा यूज ना करो गड्डी चलाते समय तो अवेयर कर रहे हैं लोगों ने इस करके।